गाइस, आज की वीडियो रिलेटेड है पेटीएम ऐप की एक प्रॉब्लम से जो कि हाल ही में बहुत सारे यूज़र फेस कर रहे हैं। तो अगर आप पेटीएम यूज़ करते हो और आपको भी ऐसा लिखा था योर यूपीआई नंबर इज़ नॉट सेट ऑन पेटीएम, तो ऐसा कुछ लिखा आ रहा है, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए और ये आती क्यों है, ये सब आज की वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल जीरो टू इन्फिनिटी को सब्सक्राइब करें ऐसी नई नई इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोज़ देखने के लिए। दरअसल होता क्या है, जब भी हम अपने जो पेटीएम ऐप को ओपन करते हैं तो उसके बाद ये प्रॉब्लम आती है, जो आपका जो यूपीआई नंबर जो आपने यूपीआई आईडी क्रिएट की है वो कोई डिफरेंट यूपीआई आईडी क्रिएट की है और उसमें जो नंबर है वो आपका लिंक नहीं है जो आपके पेटीएम के साथ जो नंबर है, तो दोनों नंबर लिंक नहीं है और आपकी यूपीआई आईडी भी अलग है, तो आपको उनको लिंक करना पड़ेगा। तो आपको जो यूपीआई नंबर है उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। कैसे वेरीफाई करें वो तो आपको बहुत आसानी से हो जाएगा, जब वो कहेंगे कि यूपीआई नंबर आपका सेट नहीं है तो वहाँ पे आपको ऑप्शन भी दिखेगा कि सेट करने का ऑप्शन, तो आपको वहाँ पे क्लिक करना है, यूपीआई नंबर को वेरीफाई करना है। वेरीफिकेशन के लिए क्या होगा कि आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जो आपके बैंक के साथ जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उस पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको फिल कर देना है और आपका जो वेरिफिकेशन है डन हो जाएगी और ये दोनों आपस में लिंक हो जाएंगे। मुझे भी सेम प्रॉब्लम आ रही थी और मैंने भी इसको लिंक कर लिया, जिसके बाद मेरी ये प्रॉब्लम है बिल्कुल सॉल्व हो गई थी। तो ये प्रॉब्लम आती है अगर आप मल्टीपल यूपीआई आईडी क्रिएट करते हो, तो वो सिर्फ एक यूपीआई आईडी क्रिएट करनी है और उनको ही और किसी के साथ लिंक करना है, पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे। तो होप करता हूँ कि आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए जीरो टू इन्फिनिटी चैनल को सब्सक्राइब करें।